आपको पता है कि जो जो इंडिया के हारने के बाद एज अ टीम एज अ कैप्टन हम लोगों ने बहुत टफ टाइम गुजारा और बहुत ज्यादा चीजें हमें जो फेस करने को मिली आउट ऑफ द फील्ड भी और ग्राउंड के अंदर भी. तो मैंने ये सोचा कि दो दिन का हमने ऑफ दिया और दो दिन के बाद प्रैक्टिस में जाने से पहले मैंने सिर्फ तमाम जो हमारे 15 प्लेयर्स थे उनको मैंने बुलाया और मैंने उनसे यही बात की कि जो हमारा कोचिंग स्टाफ है जो हमारी मैनेजमेंट है वो हमें भरपूर तैयारी करवा रही है. वो अपनी तरफ से उनकी पूरी कोशिश है कि हमारी टीम जो है वो ग्राउंड के अंदर अच्छा परफॉर्म करे. लेकिन एज अ प्लेयर एज अ टीम जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं कोई ग्राउंड में मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से चीजें जो है एज अ टीम हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही. हो सकता है कि इंडिविजुअल कोई मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो लेकिन मैटर जो है वो टीम की परफॉर्मेंस है. तो मैंने लड़कों से बैठ के बात की और काफी कुछ बातें की जिसमें हमारे और प्लेयर्स भी थे तमाम सीनियर थे सब लड़कों ने अपनी अपनी राय दी और काफी अच्छी हमने वो काफी देर बैठ के बात की. और यही मकसद था कि यार मैं खुद बात छोड़ रहा हूँ सर क्या मसला क्या है ग्राउंड के अंदर हम ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं किस चीज को करना. तो यही बात थी कि अब जो आगे आने वाले मैचेज हैं जो हो गया वो हो गया अब हमारे पास अगले 4 मैचेज हैं. हारने हम अफोर्ड नहीं कर सकते. तो मैं समझता हूँ सर लड़कों को मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स किया जिस तरीके से फाइट बैक किया हर मैच में किसी एक की भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से मैच नहीं जीते पूरी टीम परफॉर्मेंस से मैच जीते. किसी के 15 रन किसी के 10 रन भी वो बहुत वाइटल थे. अगर आप अफगानिस्तान के शताब के 10 रन भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने इमारत के 70 रन थे या वहाब के 15 रन थे. तो टीम जो है वो टीम परफॉर्मेंस से जीती है 4 मैच. तो आई थिंक उससे ये फायदा हुआ कि चीजें बेहतर है. अल्लाह का शुक्र है कि फिर निकल गई. लास्ट क्वेश्चन.